श्रीमद् भागवत गीता में भक्तों के चार प्रकार बताए गए हैं, परंतु परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवी देवता या महापुरुषों की उपासना से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस विषय में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस देवता शरीर की श्रद्धा से पूजा करने की इच्छा करता है, उसमें मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। उस शरीर देवताओं या महापुरुषों की भक्ति हो सकती है और परमात्मा उस भक्ति की श्रद्धा को उस देवता या महापुरुष में स्थिर कर देते हैं और वह भक्ति हमें फल प्रदान करती है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी के वन गमन का समाचार देश में फैल चुका था। ग्रह कलह से कुल को बचाने के लिए भाई को राजपाट देकर 14 वर्ष की अवधि के लिए वन में जाने की बात ज्यों ही भगवान श्री राम जी के सामने आई, तो वह बिना कोई हैरानी और क्रोध प्रकट किए वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस महान त्याग के समाचार से विध्यांचल के केवल उत्तर भाग ही नहीं अपितु दक्षिण का भाग भी परिचित हो चुका था। शबरी के आश्रम में श्री राम जी की महिमा का समाचार उनके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका था। इस प्रकार श्री राम जी के त्याग तपस्या की सूचना सुग्रीवादी को पहले ही मिल चुकी थी। श्री हनुमान जी पंपापुर के वन में भ्रमण करने वाले श्री राम लक्ष्मण जी का परिचय प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उनके निकट आए और उनसे उन्होंने उस भयंकर वन में घूमने का कारण जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम जी ने अपना परिचय दिया। परिचय प्राप्त करते ही श्री हनुमान जी ने क्या कहा, शिव जी उमा जी को सुना रहे थे कि जब श्री हनुमान जी को पता चला कि पूर्व श्रुत महिमामय श्री राम उनके सामने खड़े हैं, तब उनका तन और मन पुलकित हो उठा। वे श्री राम जी का चरण स्पर्श करने लगे। दोनों भाइयों का परिचय पाकर श्री हनुमान जी समझ गए कि यह सम्मिलित एक ईश्वरीय संयोग है। श्री हनुमान जी के मन में भगवान श्री राम जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रथम दर्शन के समय ही उत्पन्न हो गई थी। शूर धीर वीर पुरुषों के अलौकिक कार्यों की प्रशंसा सुनकर लोग बिना उन्हें देखे ही उनके भक्त हो जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण इतिहास के पन्नों में हमें मिलते हैं। श्री राम जी की ख्याति पहले ही पंपापुर में वैसे लंका में भी पहुंच चुकी थी। रावण के भाई विभीषण को श्री राम जी की महिमा का ज्ञान था। जब लंका में श्री सीता जी खोज करते हुए श्री हनुमान जी विभीषण के महल में पहुंचे, तब वहां उन प्रभु भक्त के निवास ग्रह के लक्षण देखकर वह चकित रह गए। श्री हनुमान जी ने वहां एक भवन देखा जहां हरि मंदिर पृथक बना था। वे विचार करने लगे कि लंका तो नास्तिकों का देश है, यहां किसी सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। जब विभीषण जी का साक्षात दर्शन हुआ और जब श्री हनुमान जी ने श्री राम कथा और अपना नाम बताया, तब उसे सुनते ही विभीषण जी के मन और शरीर दोनों पुलकित हो उठे तथा वे भगवान के गुण ग्राम का स्मरण करके उसी में मग्न हो गए। यह श्री राम जी के गुणों की महिमा थी कि श्री हनुमान जी विभीषण श्री राम जी के दर्शन से पूर्व भी उनके प्रशंसक और भक्त हो गए थे। श्री हनुमान जी कैसे थे, इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। प्रथम भेंट के बाद श्री हनुमान जी के बारे में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली हो, जिसने यजु और सामवेद नहीं पढ़े हो, वह इस प्रकार की सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार अध्ययन किया होगा, क्योंकि बहुत सी बातें बोले जाने पर भी इनकी भाषा में अशुद्धि नहीं हुई। संभाषण के समय उनके मुख नेत्र ललाट भौं तथा अन्य अंग भी कोई विकार प्रकट नहीं हुए। उन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता से
सभी का अभिप्राय बता दिया और किसी करण कटु शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। हृदय कंठ और मूर्धा इन तीन स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इन विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्र प्रसन्न ना होगा। अभिप्राय यह कि महर्षि वाल्मीकि जी के कथनों के अनुसार श्री हनुमान जी एक वेद ज्ञाता और भाषण के विद्वान थे तथा वे सभ्य व्यवहार करना जानते थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णित उस काल के दक्षिण पठार की स्थिति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि रावण द्वारा छिपाई गई श्री सीता जी को खोज निकालने का काम सुगम नहीं था। यह कठिन एवं खतरनाक कार्य था जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। जिसकी श्री राम जी के प्रति अगाध श्रद्धा हो, श्री हनुमान जी ऐसे ही थे। तभी तो लंका में जाकर घर घर में श्री सीता जी को ढूंढ निकालने का प्रयास उनके द्वारा संभव हो सका। वह स्थिति कितनी भयावह रही होगी जब श्री हनुमान जी को रावण के सम्मुख उपस्थित किया गया